अगर मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे बहनों, अगर आप मेरा हेल्प करना चाहते हैं तो बहुत 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 शुक्रिया। और प्लीज़ इसे गलत वे में मत लेना, मैं आप यहाँ आज वीडियो बनाने आए हैं। अभी एक हफ्ते से मेरे साथ क्या चल रहा है, एक हफ्ते से एवरी डे मेरा खाना बच रहा है। कितनी प्लेटें सेल हो रही हैं, राजमा चावल खा रहे, थाली जो भैया खा रहे, दो तीन प्लेटें सेल हो पाती हैं। और ये मैं कार्ड भी अरेंज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे 2 महीने हो गए। और इसके लिए अभी फिलहाल तो मैं इसके लिए पैसे निकाल दूँ, इसके लिए ओके बैनर के लिए बोर्ड। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, फिलहाल मैं खड़ा हूँ दिल्ली की नेहरू प्लेस मार्केट में, और यहाँ पे जो है दो दीदी ने खाने का काम स्टार्टअप किया है। मतलब मैं एक चीज़ नोटिस किया मैंने, इन्होंने मतलब प्रॉपर मतलब स्टॉल पे नहीं किया, उन्होंने किसी पेड़ के नीचे किए। देखो आप, और इनका आपको मैं सेटअप दिखा देता हूँ थोड़ा सा क्लोज करके, देखो। तो दीदी से बात करेंगे ये कब से ये काम कर रहे हैं और इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या स्ट्रगल है, और वीडियो के एंड में आपको मैं एड्रेस बताने वाला हूँ कि एड्रेस क्या है यहाँ का। तो गाइस, सबसे पहले जो है मैं इनका जो है सेटअप दिखा देता हूँ, इन्होंने सेटअप कैसे कर रखा है। इन्होंने देखो प्रॉपर पेड़ के नीचे जो इन्होंने सेटअप कर रखा है, और ये रहा कैंपर, और प्रॉपर देखो आप सारा सेटअप दिखा देता हूँ आपको मैं। और ये है दीदी, इनसे बात करेंगे हम। नमस्कार दीदी, कैसे हो दीदी? अच्छा। दीदी आज आए आपकी स्टॉल पे जो है व्लॉग शूट करने के लिए। तो स्टॉल नहीं, अपने ये पेड़ के नीचे लगा रखा है आपने, तो पेड़ के नीचे लगाने का क्या रीज़न है? पेड़ के नीचे लगाने का रीज़न तो ये है भैया, मेरे पास इतनी शॉप में किराए पे ले नहीं सकती। ओके। और मार्केट में बीच में खड़े होने का थोड़ा बहुत तो चार्जेबल है, तो इसलिए मैं वहाँ पे भी खड़ी नहीं हो सकती हूँ, और ना ही मेरे पास कोई कार्ट है जो लेके वहाँ पे मैं खड़ी हो जाऊँ। तो दीदी, मैंने जैसे सुना था कि कुछ विवाद भी हुआ था बीच में, आपको लगाने दे नहीं रहे थे यहाँ पे? नहीं भैया, जब इंसान सीढ़ी चढ़ता तो थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर आते भी हैं, कोई बात नहीं। तो मतलब उसे दुखी तो नहीं हुआ बिल्कुल भी आप? मतलब अपनी हिम्मत तो नहीं हारी ना? हिम्मत हारनी भी नहीं है क्योंकि देखो वही है, जहाँ स्ट्रगल है वहीं मतलब सक्सेस है, मतलब ये बोलूंगा आपको मैं। बिल्कुल। और उसके अलावा मतलब आपने जो बिरयानी का जो नाम रखा हुआ है, आपने शॉप का जो नाम रखा हुआ है, वो स्पेशल गोल्डी बिरयानी रखा हुआ है। ये गोल्डी जी हमारे घर का सदस्य है, जी हमारा बच्चा है। ओके। इसी के नाम पे हमने अपने स्टॉल का नाम गोल्डी। आपके बेटे हैं? बच्चा है हमारा। ओके। और हमारे पास ना ओनली बिरयानी ही नहीं है। ओके। हमारे पास माँ के हाथ की बनी हुई थाली भी मिलेगी। तो दीदी, अभी आपने मतलब अपनी स्टॉल का जो टाइमिंग क्या सेट कर रखा है अभी आपने? 11 से 4 की टाइमिंग है हमारी, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। तो बड़ी इजी जॉब है आपकी तो, 5 घंटे की जॉब है आपकी तो? बहुत इजी जॉब है, सुबह 4 बजे उठ के और शाम को 4 बजे तक एक टांग पे खड़े रहते हैं, बड़ी इजी जॉब है। तो मतलब सुबह 4 बजे उठते हो आप? बिल्कुल जी, सुबह 4 बजे उठती हूँ। ओके। थोड़ा बहुत घर का काम, थोड़ा सा जो होता है घर का काम निपटा के अपना पूजा पाठ करके, उसके बाद फिर सुबह 5 बजे से लग जाते हैं हम लोग बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में, सुबह से ही लग जाती हूँ। फिर इसमें काटना पीटना धोना, ये बनाओ ये काटो ये सब कर करके, आटा गूंदो, आटे को मुझे 1-1.5 घंटा पहले मैं इसलिए गूंद के रखती हूँ जिससे कि रोटी एकदम सॉफ्ट रहे। रोटियाँ आप खाएंगे ना, आप रोटियाँ देखना अदर स्टॉल का देखना, और हमारा रोटी एकदम सॉफ्ट मतलब फ्रेश रहती है बिल्कुल। भैया खा रहे हैं आप, उनसे रिव्यू ले लीजिए, उनसे बिल्कुल बताओ कैसी है। तो भैया अभी आपके पास आए हैं आप, ये फर्स्ट टाइम खा रहे हो उनके पास, पहले खा चुके हो आप? फर्स्ट टाइम आए। तो कैसा टेस्ट लगा आपको? जैसा अच्छा। अगर आप मार्क्स देना चाहें, कितने मार्क्स दोगे आप इनको? 10 में से 10 नंबर दोगे? बहुत ही बढ़िया। चलो दीदी के वापस जाते हैं। तो दीदी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट है आपको? जी फैमिली का सपोर्ट है, फैमिली की ज़रूरतें हैं तभी तो यहाँ पे आए। ये भी है, तो फैमिली में मतलब कौन कौन है आपके, अगर मैं आपसे पूछूँ तो? मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हैं, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे, मैं हूँ, एक छोटी बहन और है। तो भैया थोड़ा जीवन जीने के लिए थोड़ा बहुत तो सहारा चाहिए होता है, लेकिन जीवन जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पैसा। पैसा चाहिए होता है बिल्कुल। पैसे से, आज के टाइम में पैसे से भूख खरीदी, देखो भूख नहीं खरीदी जाती लेकिन रोटी तो खरीदी जाती है। हाँ ये भी है, क्योंकि बिना पैसे का गुजारा नहीं है। देखो वही घर की चीजें चलाने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए। मगर मैं आपको एक चीज का सल्यूट करूंगा कि आपको मतलब आपने मतलब कार्ट नहीं लिया, आपने प्रॉपर आपने रेडी टाइप नहीं लिया, लेकिन हमने मतलब पेड़ नीचे लगाया, तो आपने मतलब हार नहीं मानी, क्योंकि जहाँ स्ट्रगल होता है ना वहाँ मतलब जीत होती है। मैं कभी भी नहीं मानने वाली। अभी आप यहाँ आज वीडियो बनाने आए हैं, अभी एक हफ्ते से मेरे साथ क्या चल रहा है, एक हफ्ते से एवरी डे मेरा खाना बच रहा है। कितनी प्लेटें सेल हो रही है, राजमा चावल करे, थाली जो भैया खा रहे, 2-3 प्लेटें सेल हो पाती है और मेरा खाना बच के जा रहा है। ये जो खाना बच के जाता है अभी मैं मंदिर के बाहर बंटवाती हूँ जो गरीब लोग हैं। मैं कोई ना कोई बहुत बड़ी दानी नहीं हूँ, ना ही मैं नंबर बना रही हूँ कि मैं आप लोगों को मैं जाहिर कर रही हूँ कि हाँ मैं बहुत दानी हूँ। भैया भूख सबको लगती है, अब ये खाना फेंकूंगी थोड़ी मैं, हम लोग खाते हैं, थोड़ा बहुत गरीब हमें बांटते हैं। तो लगभग आप ये बोलो कि खाना बच जाता है आपका? मैं देखो मैं ऑटो में रख के लेके आती हूँ, 100 रुपये रोज उसको देना पड़ता है। अच्छा, 100 रुपये का तो आपका वो खर्चा हो गया, ऑटो का हो गया, ठीक है, तेल मसाले गैस सब्जियाँ, और हमारी मेहनत तो कहीं गिनती में है ही नहीं जो सुबह 4 बजे उठ के लग रहे हैं। अभी 1.5 घंटा हो गया मोटा मोटा आपको जो है स्टॉल लगाए को अभी। हाँ। तो कितने कस्टमर अभी खा चुके हैं आपसे? आपके सामने बैठे कहाँ हैं? अच्छा, एक आपके सामने, 2-3 जन खा, तो मतलब 3-4 कस्टमर अभी तक खा चुके हैं आपके पास। तो मतलब अभी काम मतलब थोड़ा डाउन है अभी है? थोड़ा डाउन के मैं तो बिल्कुल ही डाउन है भैया, नहीं हो पाता है मेरा, शाम तक है ना
जो लागत में लगाती हूँ ना वो भी नहीं निकल पाती है मुझे एक्स्ट्रा। और शाम को मतलब अभी जेब से लग रहा है? मतलब बिल्कुल मेरा जेब से ही लग रहा है सारा। अभी मैं क्या बताऊँ, मैं अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जो है ना जो सब इसी में लग रहा है मेरा। तो दीदी एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे आपने मुझे बोला कि मैं 4 बजे उठती हूँ और उसके बाद फिर काम करना, घर का भी काम करना, फिर सब्जियाँ तैयार करनी और शाम को 4 बजे तक आप रहते हो, तो एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप माने तो, मतलब मैं अपनी जो मेरे व्यूअर्स जो मेरी वीडियो देखेंगे उनसे मैं मतलब गुजारिश मतलब करूंगा कि आपको कुछ हेल्प हो सके अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो। अगर मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो बहुत 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 शुक्रिया। और प्लीज इसे गलत वे में मत लेना, मैं हाथ नहीं जोड़ रही हूँ, मेरे पास हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे इतना है, आइए और काउंटर से मेरे हाथ का खाना खाते। दीदी एक बार आपका स्कैनर दिखा दीजिए शॉप का, ये वही दिखाना स्कैनर जो आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जिससे, तो एक बार आप वीडियो में बोल दो कि आप ही का नंबर इसमें लिंक है। जी हाँ, मेरा नंबर ही इसमें लिंक है। तो मैं कोई देखो गाइस, मैं आप लोगों से भीख नहीं मांग रही हूँ, बस मेरा ये है कि मुझे छोटा सा मेरा ना एक कार्ड टाइप में मुझे चाहिए, मैं कार्ड भी अरेंज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे 2 महीने हो गए और इसके लिए अभी फिलहाल तो मैं इसके लिए पैसे जुटा रही हूँ, इसके लिए नहीं। ओके, बैनर के लिए, बैनर के लिए, बोर्ड के लिए मेरे पास ये भी नहीं हो पा रहा है, कार्ड को मैं कहाँ खरीद पाऊंगी, बैनर के लिए नहीं इकट्ठी कर पा रही हूँ मैं, तो बस आप लोगों से छोटा छोटा हेल्प बन सके प्लीज। तो गाइस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप चाहे 10 रुपए करें, 100 रुपए करें, 200 रुपए करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप हेल्प कर रहे हो। जो कोई अगर कोई इंसान अगर कोई हेल्प अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है ना, उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं एक बार आपको मैं जो है मतलब स्कैनर दिखा देता हूँ इनकी शॉप का, दीदी ने बोला कि उनका ही अकाउंट नंबर इसे लिंक है, तो प्रॉपर जो है मैं इसका स्क्रीनशॉट जो मैं नेक्स्ट क्लिप में डाल दूंगा। दीदी एक बार आपका मोबाइल नंबर बता दो ना, मोबाइल नंबर क्या आपका? मोबाइल नंबर है मेरा 813083492। तो यही नंबर जो है गूगल पे, फोन पे पे है, जीपी पे है और पेटीएम पे, यूपीआई पे, सब जगह मेरा यही नंबर है। कोई बात दीदी, अब माए हैं तो आपका खाना जो है मतलब जल्दी फिनिश कराया करेंगे, डोंट वरी। ये जो हमारा ये छोटा सा काउंटर है, ये 2 माओं के हाथ का बना हुआ खाना है, स्वादिष्ट भोजन है। आइए, 2 माए बोले तो एक तो आपकी मम्मी, एक मैं मम्मी, अच्छा एक आपकी मम्मी, दो मम्मी। तो दीदी एक बार खाना दिखा दो आपकी शॉप का जो है ना। हम लोग राइस से स्टार्ट करते हैं, देखिए ये हमारा प्लेन राइस है जो मैं थाली में देती हूँ, राजमा चावल। तो गाइस देख सकते हो बिल्कुल सिंगल सिंगल पीस बिल्कुल अलग हुआ हुआ है, ये बासमती चावल आप यूज करते हो? ये 100 रुपए किलो वाला चावल है, लोग बोलते हैं 100 रुपए किलो वाला चावल लेके आती है, सस्ता मिलता है भाई, जहाँ सस्ता मिलता है एक आध बोरी मेरे घर पहुँचा देना। ये 100 रुपए किलो वाला चावल, उसके बाद क्या है? ये है जी हमारा आलू मटर, रंगत देखो क्या बात है, हाय 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 हाय, बहुत ही बढ़िया यार। कौन सा कौन स्टॉल वाला? तो ये आपने बनाया या आपकी मम्मी ने बनाया? ये तो मैंने बनाया। अच्छा ये आपने बनाया ये, ओके। खाना मैं भाई ऐसा बनाती हूँ जो मेरे को पसंद है ना, मेरा टेस्ट पसंद है ना, मैं अपने वाला टेस्ट खिलाती हूँ सबको। ओके, ज्यादा तीखा भी नहीं, ज्यादा फीका भी नहीं, नॉर्मल नॉर्मल खाना। तो ये क्या चीज है? ये है जी हमारे ये राजमा। हाय हाय क्या बात है गाइस, देख सकते हो आप यार, बहुत ही बढ़िया। राजमा में इतने मसाले भी नहीं डालती, लाल दिख रहा है लेकिन इसमें मतलब ये बोल दो कि जिसको कम मसाले पसंद है, जो आप मसाले पसंद है वो मतलब मिला जुला मामला है, मतलब नॉर्मल खाना है जिसे नॉर्मल माए बनाती है ना घर में खाना। ओके ओके, इसमें क्या है? ये हमारी वेज बिरयानी पुलाव। ओहो, तो गाइस देख सकते हो बिल्कुल सब्जियों से भरा हुआ बिल्कुल यार, ये बहुत ही बढ़िया यार। तो दीदी इसका क्या रेट कर रखा आपने? ये 40 का हाफ है, 70 का फुल है। तो गाइस अब टेस्ट करता हूँ माँ की थाली को, टेस्ट कैसा है इसका बताता हूँ आपको मैं। पहले टेस्ट कर रहा हूँ मैं आलू मटर को, गाइस एक बार राजमा को टेस्ट कर लूँ मैं, यहीं की चटनी वाला प्याज। गाइस खाने को मैंने अभी टेस्ट कर लिया है, आपको मैं एक्चुअली बता दूं ना, बड़ा ही सिंपल खाना है, मतलब मसाले मतलब बहुत ही कम डाल के, अच्छी बात है ये, नुकसान नहीं है इस खाने का, मतलब बिल्कुल घर जैसा खाना, जैसा आप घर में खाते हो ना मम्मी के आता खाना खाते हो, सेम वैसा ही। तो गाइस अगर आपको मैं यहाँ का अगर एड्रेस अगर समझाऊँ ना आपको मैं, ठीक इसके साथ देखो आप, सामने देखो आप यूनियन बैंक है, और यूनियन बैंक के बिल्कुल सामने देखो आप, कुछ गोल चकारा सा बनाया हुआ है इन्होंने देखो आप, तो ये ठीक इसके सामने देखो आप, यह है इनका सेटअप है बिल्कुल पेड़ के नीचे, और ये जो मार्केट है वो है नेहरू प्लेस की मार्केट। तो गाइस देखो आज के व्लॉग के अंदर आपने देखा दो बहनें कितना स्ट्रगल कर रही हैं, सुबह 4 बजे उठ के मतलब खाना वगैरह बना रही हैं यार, और कितना मेहनत कर रही हैं यार, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि इनके स्टॉल पे आए खाना खाएं, और बाकी मैंने जो है स्कैनर जो है मैंने स्क्रीनशॉट में डाल दिया है, चेक कर लेना, जितना भी आपसे हेल्प हो सके, 1 रुपया 2 रुपये 100 रुपये 200 रुपये जितना भी हो सके प्लीज़ हेल्प करना यार, ठीक है, हमारा फर्ज बनता है यार, कुछ तो हेल्प करें यार, जो मतलब मेहनत कर रहे हैं मतलब उनका थोड़ा हेल्प करना बनता है।
और मतलब जिनसे मतलब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे खा के भी आके भी खा सकते हैं और कुछ लोग हेल्प मतलब घर बैठे भी हेल्प कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से आप इनकी हेल्प कर दीजिए बहुत बढ़िया रहेगा यार। ठीक है, तो हमारा फर्ज है ना यार हेल्प करना किसी की, कोई अगर मैं कोई मेहनत कर रहा है तो यार। ठीक है, तो अब मिलते हैं किसी नए फूड व्लॉग के साथ, किसी नए ट्रैवल व्लॉग के साथ, किसी नए चैलेंज के साथ। बाय बाय।